बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से आज पूरे महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में बजट जलाओ आंदोलन किया गया। इसी श्रृंखला में आज शहर के संविधान चौक पर भी बजट की होली जलाकर नारेबाजी करते हुए यह आंदोलन किया गया। पिछले साल मोदी सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया था उससे भी कम बजट इस साल पेश हुआ है, जिसे जनता को फंसाने का काम ये सरकार कर रही है। पिछले साल बजट में शिक्षा पर 2.64% और इस साल 2.51% का बजट पेश किया, जो काफी कम है। और इसके साथ ही आरोग्य, किसानों से जुड़े बजट को भी सरकार ने काफी कम प्रतिशत में पेश किया है। इसीलिए आम जनता को इस बजट से कुछ भी नहीं मिल रहा है, और जिसे देखते हुए आज आंदोलन करी इस बजट की होली की गई है। मैं अनिल नागरे, बहुजन मुक्ति पार्टी शहर महासचिव। आज संविधान चौक में बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से केंद्रीय बजट जला रहे हैं, और ये केंद्रीय बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमैया ने इस माह में फरवरी माह में पेश किया, परंतु हम लोगों ने जब इसका अभ्यास किया, विश्लेषण किया, तब हमको ये महसूस हुआ कि ये बजट जो है हमारे SC ST OBC के हित में बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारा किसान भाई है उनके हित में भी ये बजट नहीं है। तो देश भर में SC ST OBC किसानों की आवाज़ आ रही थी कि ये बजट हमारे हित में नहीं, उनका जो विद्रोह है वो विद्रोह हम लोग बजट जलाकर व्यक्त कर रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में बजट में जो बढ़ोतरी करना चाहिए थी वो बढ़ोतरी नहीं किया, उल्टा उन्होंने कटौती किया है। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ये सारे लोगों को बोलता है कि मैं सेवक हूँ, तो हमारे सेवा में आपने क्या कर रहे हो? हमारे सेवा में, हमारे सेवा कर, जो आरोग्य क्षेत्र में खर्चा करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए था, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार क्षेत्र में, हाँ आपने कुछ भी नहीं किया। तो ये सेवक कहता हूँ बोलता है, लेकिन सेवा करने के बाद हमको लूटता है। वो कहता है कि मैं सेवक हूँ लेकिन हमको लूटता है। ये बात जरूर है कि ये बजट जलाने से हमारी मांग पूरी नहीं होगी, लेकिन हम लोग दबाव भी निर्माण करना चाहते हैं, और हम आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग आज आपकी जो समस्या है उसको उठा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा उनकी जो समस्या है उस समस्या को पूर्ण करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी हमेशा मैदान में रहेगी। एक समय ऐसा भी आएगा हम लोग पावर में रहेंगे, ये लोग बेदखल होंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मौर्य के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।